हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू मस्ट बी डूइंग वेल। आई एम राहुल भटनागर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट्स। इस चैप्टर का नाम है डेप्रिसिएशंस और आपकी ये बुक में चैप्टर नंबर 14 में है। स्टूडेंट्स, कोई भी अकाउंट्स का एग्ज़ाम हो उसमें डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन ना आए ये तो हो ही नहीं सकता। डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल्स में भी मिलेगा और आपकी थ्योरी पार्ट में भी ज़रूर आएगा, एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो इसलिए इसका हमने न्यूमेरिकल्स तो करेंगे ही करेंगे, इसका हमें बेस से समझना पड़ेगा, इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को भी बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप पीछे चलें, आपका चैप्टर नंबर 1 बेसिक अकाउंटिंग टर्म में एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपका अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स। आई होप आपने रिकलेक्ट कर लिया होगा कि एसेट क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय एन एसेट। एसेट्स का मतलब है द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द कंपनी, द प्रॉपर्टीज एक्वायर्ड बाय द कंपनी विच कैन बी मेजर्ड इन मनी टर्म्स। और ये प्रॉपर्टीज़ ज़रूरी नहीं कि आपकी लैंड और बिल्डिंग ही हो, ये प्रॉपर्टीज़ आपकी फर्नीचर हो सकती है, मशीन हो सकती है, प्लांट हो सकता है, डेटर्स हो सकते हैं, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक हो सकता है, और बिल्स रिसीवेबल भी हो सकते हैं। ये सब आपके एसेट्स आती हैं एंड दीज एसेट्स अनेबल्स द कंपनी टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट। मीन्स इन एसेट्स से कंपनीज़ अपनी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू 2 पार्ट्स। बताइए कौन कौन से एसेट्स हैं। एक है फिक्स्ड एसेट्स, और सेकंड वन इज करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को नॉन करंट एसेट भी कहते हैं। करंट एसेट्स क्या होती हैं, पहले हम करंट एसेट्स को लेके चलते हैं। करंट एसेट्स मीन्स विच कैन बी कन्वर्टेड इन टू कैश विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड, नॉर्मली विद इन ए ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 12 मंथ्स। दीज एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड विद इन ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। करंट एसेट्स में क्या आती हैं, हमारे डेटर्स होते हैं, हमारी कैश इन हैंड होता है, कैश एट बैंक होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है। अब आ जाइए आप फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर। फिक्स्ड एसेट्स विच आर held by the company not for the purpose of resell, these are acquired by the company to increase the earning capacity of the business. Fixed assets can further be classified into 2 parts. Fixed assets को हम फिर से 2 parts में बांट सकते हैं। बताइए कुछ याद आ रहा है किन 2 parts में हम classify कर सकते हैं fixed assets को? One is tangible assets, and another is intangible. और इन दोनों में क्या डिफरेंस है स्टूडेंट्स बता सकते हैं? टेंजिबल नाम से पता लग रहा है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं ये सब। स्टूडेंट्स मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का जब हमने चैप्टर किया था हमने बहुत अच्छे से इसको समझाया, आज ही हम उसका रिवीजन कर रहे हैं। अब हम आते हैं इनटेंजिबल एसेट्स पे। इनटेंजिबल एसेट्स नाम से पता लग रहा है इनटेंजिबल है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, जिनको हम देख नहीं सकते, लेकिन हाँ फिर भी ये हमारी एसेट्स हैं। क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके? हमारा एग्जांपल हो सकता है गुडविल, सबसे बड़ा एग्जांपल गुडविल, द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी है ना, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, हम एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीद के लाते हैं। स्टूडेंट्स आप उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को आप अपने पीसी में डाउनलोड करते हो, तो क्या आप अपने पीसी में डाउनलोड करने के बाद उसको किसी और पीसी में डाउनलोड कर सकते हो? नहीं कर सकते। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक पीसी में ही डाउनलोड हो सकता है,
क्योंकि जो इसका मालिक है, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एसेट्स का ओनर है, उसने आपको सिर्फ से यूज़ करने का राइट दिया है आपको। ओनर तो वही रहेगा। कौन कौन सी कंपनीज है हमारे पास कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की? हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है, ओरेकल्स है, इंडिया की इंफोसिस है, टाटा कंसल्टेंसी है, एचपी है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सॉफ्टवेयर बनाती हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनकी कंपनीज के एसेट्स हैं, और ये सॉफ्टवेयर भी फिक्स्ड एसेट्स हैं इन कंपनीज के लिए। अब आप दोबारा से आ जाइए टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। टेंजिबल एसेट्स आर नॉट एक्वायर्ड फॉर द पर्पस टू रीसेल। दीज एसेट्स आर एक्वायर्ड फॉर द पर्पस टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल्स ऑफ टेंजिबल एसेट्स क्या हो सकते हैं? हमारा लैंड तो है ही, बिल्डिंग हो गई, मशीन है, और फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें हैं, और व्हीकल्स हो गए, मोटर व्हीकल्स हो गए। टेंजिबल एसेट्स कंपनी एक्वायर करती है अपनी कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, अपनी कंपनी की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, जिससे कि प्रॉफिट्स बढ़ाया जा सके, अर्निंग्स बढ़ाई जा सके, सेल बढ़ाई जा सके। अब हम आते हैं अपने टॉपिक डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन किन एसेट्स का होता है? डेप्रिसिएशन हमारा टेंजिबल एसेट्स का ही होता है, जिनको हम टच कर सकते हैं, जो लॉन्ग टर्म हमारी एसेट्स हैं, नॉट शॉर्ट टर्म एसेट्स। क्या डेप्रिसिएशन इनटेंजिबल एसेट्स का भी होता है? नहीं, डेप्रिसिएशन इनटेंजिबल एसेट्स का नहीं होता। इनटेंजिबल एसेट्स का होता है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन, एमोर्टाइजेशन भी स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन की तरह ही होता है। एमोर्टाइजेशन इज आल्सो ए टेक्निकल प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द बुक वैल्यू ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। एमोर्टाइजेशन भी प्रोसेस है इनटेंजिबल एसेट्स की बुक वैल्यू कम करने का विद इन ए सेट पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन हमारा ये चैप्टर क्या है? डेप्रिसिएशन का है, और डेप्रिसिएशन सिर्फ से टेंजिबल एसेट्स पर ही होता है। पहली बात तो आप ये सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब आ जाइए, क्या डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स का भी होता है? करंट एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता। डेप्रिसिएशन सिर्फ से किस पे लगता है? हमारी टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। चलिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अपने ऑफिस के लिए कोई कार चाहिए या कोई व्हीकल, कोई भी व्हीकल चाहिए, तो आप डीलर के पास जाते हैं, आप उससे पूछते हैं इस व्हीकल का, इस कार का क्या प्राइस है। वो कहता है एक्स शोरूम प्राइस 5 लाख रुपीज़ है। कार की कितनी कीमत बताई उसने? एक्स शोरूम प्राइस 5 लाख रुपीज़। कहते हैं ठीक है, आप ऑफिस जाते हैं और 5 लाख रुपए लेके आप डीलर के पास आते हैं। वो आपको क्या कार दे देगा 5 लाख रुपए में? वो कहेगा नहीं, ये तो मैंने आपको शोरूम प्राइस बताए थे, अभी तो इसमें टैक्सेस जोड़ने हैं, अभी तो इसमें रोड टैक्स जोड़ना है, अभी तो इसमें इंश्योरेंस जोड़ना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उसमें इंश्योरेंस आता है 10,000 रुपये का 5 लाख पे, प्लस में रोड टैक्स 50,000 रुपीज़, वन टाइम पेमेंट जो आजकल करनी होती है, इसके अलावा कुछ और टैक्सेस भी बताए उसने, फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000, तो आपको ये कार कितने की पड़ी? 5 लाख की तो नहीं, कितने देने पड़ेंगे आपको? 5,70,000। आप क्या कहोगे, मैंने कार कितने की ली है, 5 लाख की ली है या 5,70,000 की? 5,70,000 ही जब आप डीलर को दोगे तभी वो आपको कार देगा, और आपने अपनी बुक्स में 5,70,000 की ही एंट्री पास करोगे, 5 लाख की नहीं करोगे। एग्जाम्पल लीजिए, अनदर एग्जाम्पल लो। आपने कोई मशीन खरीदनी है अपने फैक्ट्री के लिए, डीलर के पास जाते हैं, मशीन की कॉस्ट है 5 लाख रुपीज़। अगेन हम 5 लाख से ले रहे हैं, फाइव लैक्स दे के हमने मशीन तो ले ली। अब मशीन तो आई है जयपुर से, उसको आपको अपनी फैक्ट्री तक ले जाना है, तो उसमें क्या लगा आपका? फ्रेट चार्जेस।
कार टेस्ट चार्जेस भी आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल 20,000 फ्रेट चार्जेस लगे। इसके अलावा आपने वेजेस भी दिए हैं कुछ इसके ऊपर, 5,000 वेजेस भी दिया। अब आपकी फैक्ट्री तक तो मशीन आ चुकी है, अब उस मशीन को इंस्टॉल भी तो करना है, लगाना भी तो है, ऑपरेशनल भी तो करना है। फिर आप क्या करेंगे, उस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए एक प्रॉपर जगह बनाएंगे, उसमें भी और खर्चा हो गया, फॉर एग्जांपल 2,000 और खर्चा हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब इस मशीन को ऑपरेशनल करने के लिए आपने एक टेक्निकल बंदे को बुलाया, इंजीनियर को बुलाया कंपनी से, जिसकी फीस थी 10,000 रुपीज़ टेक्निकल। तो अब देखिए 5 लैक्स की मशीन हमारी क्या चार्जेस पड़े, ये सारे चार्जेस हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस हो जाते हैं, ये भी हमारी मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। कितने हो गए, 25, 35 और 37, 5,37,000 की हमको मशीन पड़ी है। हम अपने अकाउंट्स में कितनी एंट्री करेंगे इसकी, 5,37,000 मशीन अकाउंट डेबिट या कोई एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, जैसे भी आपने पेमेंट करी है, बैंक से करी है या कैश दिया है। कितने की एंट्री करेंगे हम, 5 लाख की या 5,37,000 की? हम नो डाउट 5,37,000 की करेंगे, क्योंकि हमारे जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है वो 37,000 पड़े हैं। चलिए इसी इलस्ट्रेशंस को और आगे बढ़ाते हैं, अब इसमें GST और SGST कंसेप्ट भी लेके आते हैं। मैं थोड़ा इसको रब करता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आपको मशीन के ऊपर डीलर कहता है कि ये जो कॉस्ट मैंने आपको बताई थी 5,00,000 रुपीज़, इसके ऊपर SG और ST और CGST भी लगेगा 6% ईच। अब देखिए वेंडर को कितने पैसे देने पड़ेंगे, 5 लैक्स तो कॉस्ट है ही, इसके ऊपर CGST लगा हमारा, CGST और SGST 6% अगर लगता है तो 30,000 और 30,000, ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये तो हमें देना ही पड़ेगा। तो वेंडर को अब आप कितने पैसा दोगे, 5,60,000। इट मींस हम वेंडर को कितनी पेमेंट करेंगे, 5 लैक्स तो कॉस्ट है ही, और उसके ऊपर CGST और SGST 6% लगा है, 30,000, 5,60,000 हम वेंडर को पेमेंट करेंगे, पेमेंट टू बी मेड टू वेंडर। नाउ मेरा क्वेश्चन ये है कि अब ये जो 60,000 है GST का पार्ट, क्या ये हम मशीन अकाउंट में डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या इस पार्ट को भी हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस के साथ में ऐड कर देना चाहिए और मशीन अकाउंट में डेबिट कर देना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स GST के कंसेप्ट में हमने बहुत अच्छे से समझा था कि जो हमारा CGST होता है वो इनपुट होता है और SGST भी हमारा इनपुट है एट द टाइम ऑफ परचेज। इस इनपुट CGST और SGST को हमने आउटपुट से सेट ऑफ करना होता है, इसका इनपुट क्रेडिट लेना होता है, इसलिए हम इसको मशीन अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे। मशीन अकाउंट में हम सिर्फ से इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,37,000 पर को ही करेंगे। अब इसकी क्या एंट्री बनेगी इस केस में, जहां हमने GST भी दिया है और ये सारे इंस्टॉलेशन चार्जेस भी दिए हैं, अब इसकी कैसे एंट्री बनाएंगे आप? इसकी आप एक एंट्री बनाना चाहें एक बना लीजिए, दो बनाना चाहें दो बना सकते हो आप। एक अगर बनाना चाहते हैं तो मशीन अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट करेंगे, ये सारे अमाउंट को लेके 5,37,000, ठीक है। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट कितना है, 30,000, 30,000 टू कैश और बैंक, जैसे भी आपका मोड ऑफ पेमेंट है। अब ये टोटल हो गया 5,97,000। इट मीन्स हमने जो पेमेंट करी है वो 5,97,000 की करी है,
वेंडर को जो हमने पेमेंट करी है 5,60,000 करी है, मशीन अकाउंट में जो हम डेबिट कर रहे हैं 5,37,000 कर रहे हैं, और इसको हम मशीन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, डेबिट नहीं कर रहे, क्योंकि इसको हम सेट ऑफ करेंगे आउटपुट के साथ में। अब आपने दोनों केसेस में डिफरेंस देख लिया। इस केस के अंदर GST कंसेप्ट नहीं था, उसमें हमने सिर्फ से एक एंट्री बनाई थी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड और बैंक अकाउंट 5,37,000। सेकेंड केस में GST कंसेप्ट इन्वॉल्व है, वेंडर को हम 5 लाख की पेमेंट नहीं करेंगे, यहाँ पे वेंडर को हमने 5 लाख की ही पेमेंट करी थी, बाकी चार्जेस हमने खुद दिए थे। यहाँ पे वेंडर को हमने पेमेंट करनी है 5,60,000 की, इसके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं ये हमारे अपने चार्जेस हैं और हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये एंट्री आ जाएगी। अब आप आइए अपने डेप्रिसिएशन के ऊपर। डेप्रिसिएशन किस पार्ट के ऊपर लगेगा? हमारा 5,37,000 के ऊपर लगेगा। अब आगे चलते हैं, इसी एक एग्ज़ाम्पल को लेके और आगे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब करता हूँ और आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। अब ये मशीन फैक्ट्री में आ चुकी है आपकी, इंजीनियर ने इंस्टॉल कर दिया, इसको ऑपरेशनल भी कर दिया। अब आप इंजीनियर से ये पूछते हैं कि भाई ये मशीन तो हम ले आए हैं, अब ये कितने साल चलेगी? तो इंजीनियर का जवाब होता है कि आपने मशीन तो बिल्कुल अच्छी ली है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की ली है, ये मेरे हिसाब से 10 साल तो चलेगी ही चलेगी। 5 लाख की इसकी कॉस्ट है और 10 ईयर्स तो ये चलेगी ही। दिस इज़ द एस्टिमेटेड लाइफ एज पर द टेक्निकल इंजीनियर, कि 10 साल तो चलेगी ही चलेगी, क्योंकि आपने लेटेस्ट मॉडल लिया है, टेक्नोलॉजी भी अप टू डेट है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और 10 साल के बाद भी ये 50,000 रुपीज़ में स्क्रैप में चली जाएगी, मतलब कबाड़ के अंदर 50,000 रुपीज़ में भी चली जाएगी। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स, आप देखिए ध्यान देने लायक, हमारी कॉस्ट कितनी है? 5 लाख रुपीज़, और स्क्रैप वैल्यू 50,000 रुपीज़। कॉस्ट में से अगर हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू बचती है? डेप्रिशिएबल वैल्यू। फोर लैख 50,000। इट मीन्स कि 4,50,000 पर ही डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिशिएबल वैल्यू हमारी 4,50,000 है, 55 लाख नहीं है, क्योंकि 50,000 का तो इसका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है। अब एज़ पर द इंजीनियर, अगर ये 10 ईयर्स तक चल जाती है तो इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ रही, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ डेट इज 10 ईयर्स। तो अब हम अगर 4,50,000 को इसकी यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दें तो हमारा कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 45,000 पर ईयर। हम पहले साल भी 45,000, दूसरे साल, तीसरे, चौथे, अप टू 10 ईयर्स तक अगर हम 45,000 डेप्रिसिएशन लगाते चलें तो 4,50,000 तक पहुंच जाएंगे। 50,000 हमारा डेप्रिसिएशबल अमाउंट नहीं है, क्योंकि ये स्क्रैप वैल्यू है, इस मशीन की वैल्यू ज़ीरो नहीं होगी। मशीन की अगर आप ग्राफ में जाएं तो इसकी कॉस्ट अगर रिड्यूस होते होते 45,000 पे रुक जाएगी। इतना कंसेप्ट क्लियर है? और आगे चलें स्टूडेंट्स। दूसरा एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। फॉर एग्जांपल, आप अपने लिए एक मोबाइल लेने जा रहे हो, आपने मोबाइल लिया 20,000 रुपीज़ का, ठीक है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का मोबाइल था, बहुत अच्छा सोच के आपने लिया। 2 साल बाद या 3 साल बाद आप इसी मोबाइल को लेके सेम डीलर के पास जाते हो कि मेरे को अब ये मोबाइल नहीं चाहिए, इसके बदले में दूसरा मोबाइल चाहिए। तो क्या आप समझते हैं वो उसके कितने पैसे दे देगा? 20,000 दे देगा, 15,000 दे देगा, कितने दे देगा? जिस वेंडर से आपने ख़रीदा था वो आपको कहेगा, सर मैं तो इसके 2,000 रुपया ही दे सकता हूँ। आप कहोगे अभी तो मुझे 2 साल ही हुए ऐसे लिए हुए, अभी से इसकी वैल्यू 18,000 रुपये आपने कम कर दी विद इन 2 ईयर्स।
अगर आप इसका डेप्रिसिएशन 10% के हिसाब से भी लगाते हैं तब 16,000 जाएगा। वो कहता है नहीं सर, अब ये पुरानी टेक्नोलॉजी का मोबाइल हो चुका है, नाउ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैज़ कम इन द मार्केट, अब इस मोबाइल को कोई नहीं लेगा, मैं आपको 2,000 तो दे रहा हूँ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 20,000 की जो वैल्यू है 2,000 रह गई विद इन 2 ईयर्स और 3 ईयर्स। क्यों रह गई? बिकॉज ऑफ ऑब्सोलेसेंस, मीन्स आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। आपका जो ये मोबाइल था 20,000 का, उस समय रहा होगा ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का, लेकिन अब टेक्नोलॉजी इनोवेशंस हो चुका है, अब ये मोबाइल की कीमत सिर्फ से 2,000 रुपया है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं डेप्रिसिएशन का एक कॉज होता है हमारा ऑप्सेलेसेंस भी हो जाता है। अभी और इसमें चलिए, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में स्क्रैचेस हैं या स्क्रीन पे कुछ स्क्रैच आए हुए हैं, तो वो उसको 2,000 में नहीं देगा, 1,500 या 1,000 रुपीज़ ही देगा। इसको बोलते हैं वियर एंड टीयर, आपने ठीक से नहीं संभाला। यहाँ पे जो मशीन थी उसने एस्टिमेटेड टाइम 10 ईयर्स बताया था। इन केस अगर आपका वियर टीयर नहीं है, आपकी मेंटेनेंस अच्छी है मशीन की, अगर आप मशीन को एवरी 6 मंथ्स में आप उसकी सर्विस कर रहे हैं, ग्रीसिंग कर रहे हैं, ऑयलिंग कर रहे हैं, तो वो 10 से 15 ईयर्स तक भी जा सकती है। लेकिन इसका नॉर्मल वर्किंग लाइफ जो बताई थी इंजीनियर ने, वो 10 ईयर्स बताई थी। अब इस केस में मोबाइल आपके स्क्रैचेज आए हुए हैं, आपके स्क्रीन पे टूटा हुआ है, तो वो 1,500 रुपीज़ ही दे रहा है। तो आप देखिए डेप्रिसिएशन का एक कॉज एक्सीडेंट भी है और एक ऑब्सोलेसेंस भी है। लीजिए एग्जाम्पल के थ्रू तो मैंने आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ही बता दी है, लेकिन अब स्टूडेंट्स हम प्रॉपर डेप्रिसिएशन की डेफिनेशंस पे आते हैं। हम इसके अभी ऑब्जेक्टिव समझेंगे, फीचर्स को देखेंगे, डेप्रिसिएशंस को क्यों लगाया जाता है टेंजिबल एसेट्स के ऊपर, इस सब को समझते हैं। मैं इसको अभी रब करता हूँ। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, अभी हमने डेप्रिसिएशन के एग्जाम्पल को इतने अच्छे से समझ लिया है कि हमें अब इसकी डेफिनेशन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। डेप्रिसिएशन मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्चुअल यूजेस और विद फ्लक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस और एक्सीडेंट। अभी जैसे हमने एग्जांपल में देखा डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगता है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है ओनली ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स बिकॉज ऑफ इट्स एक्चुअल यूजेस। हम यूज़ करेंगे तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, तो उसकी वैल्यू तो गिरेगी ही गिरेगी। और विद फ्लक्स ऑफ टाइम, फ्लक्स ऑफ टाइम मीन्स पैसेज ऑफ टाइम, लैप्स ऑफ टाइम, आप जैसे जैसे टाइम निकल रहा है तो उसका डेप्रिसिएशन होगा। और ड्यू टू ऑब्सोलेसेंस और एक्सीडेंट। ऑब्सोलेसेंस के बारे में अभी हमने मोबाइल का एग्जाम्पल लेके बहुत अच्छे से समझा था कि किस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के कारण चाहे हमारा मोबाइल वर्किंग कंडीशन में था, इवन देन वो 2 साल के अंदर ऑब्सोलीट हो गया, आउटडेटेड हो गया बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। और एक्सीडेंट, अब स्टूडेंट्स कोई भी मशीन आप यूज़ करोगे तो नॉर्मल वियर एंड टीयर तो होता ही है। आप अगर कार चलाओगे सड़क पर तो नॉर्मल वियर एंड टीयर तो होता ही है, तो उससे भी उसकी जो बुक वैल्यू है हमें कम करनी पड़ती है। तो हमने क्या देखा अभी डेप्रिसिएशन के क्या कॉजेज़ हैं? कॉजेज, फर्स्ट कॉज है हमारा यूज़ ऑफ एसेट्स, ये तो नॉर्मल कॉज है। सेकंड है एफ्लेक्स ऑफ टाइम, पैसेज ऑफ टाइम। अब क्या होता है, आपने एक कार खरीदी, बहुत कम रेयरली आप यूज़ किया, कहीं आप फैमिली के साथ बाहर जाते हैं तभी यूज़ कर रहे हैं, वैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, अपने मेट्रो से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं। आफ्टर 5 साल या 10 साल बाद जब आप उसे बेचने जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैंने तो उसको बहुत कम चलाई है, मैं तो उसको तभी बाहर निकालता था जब फैमिली के साथ कहीं बाहर जाता था। लेकिन नहीं, एफ्लेक्स ऑफ टाइम तो हो गया ना, लैप्स ऑफ टाइम, पैसेस ऑफ टाइम तो हो गया ना, उस समय ये नहीं देखा जाता कि कितना गाड़ी चली है। उस समय आपकी कार की जो वैल्यूएशन होगा वो डाउन किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ ईयर्स, कि कितने साल हो गए उसको परचेज किए हुए। अगर 5 साल हो गए हैं तो उस हिसाब से, 10 साल हो गए हैं तो और वैल्यू कम हो जाएगी। ऑब्सोलेसेंस सब समझ चुके हैं, एक्सीडेंट्स, नॉर्मल वियर एंड टीयर हम समझ चुके हैं। स्टूडेंट्स अब आप देखिए ये जो कॉजेज़ हैं, हमारे 4 कॉजेज़ हैं डेप्रिसिएशन के लिए। इसमें जो फर्स्ट कॉज है यूज़ ऑफ एसेट्स,
यही जो कॉज है ये इंटरनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं इसे। क्यों इंटरनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं? क्योंकि ये यूज़ से हुआ है, हमारे अंदर ही हुआ है, और बाकी जितने भी कॉजेज हैं ये एक्सटर्नल कॉज हैं, इसलिए इसको बोला जाता है एक्सटर्नल डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो है हम एक एक्सपेंस मानते हैं, हम इसको कहीं बाहर जाके नहीं देते हैं, ये हमारा एक इंटरनल एक्सपेंस है, तो इसलिए इसको बोला जाता है इंटरनल डेप्रिसिएशन। अब हम आते हैं डेप्रिसिएशन के फीचर्स क्या क्या हैं, इनको हम करेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। डेप्रिसिएशन इज़ ए फॉल इन द बुक वैल्यू ऑफ ए टेंजिबल एसेट्स। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसके अंदर फॉल है ये बुक वैल्यू में ऑफ टेंजिबल एसेट्स। दिस फॉल इन बुक वैल्यू इज़ परमानेंट। जो हमारा ये बुक वैल्यू में फॉल हो रहा है टेंजिबल एसेट्स में, ये परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद ये फिर से रिवाइव हो जाएगा। हमारी जो बुक वैल्यू है वो कभी भी रिवाइज नहीं होगी, एक दफ़े जो कम हो गई वो कम हो गई। दिस फॉल इन द बुक वैल्यू इज़ परमानेंट, ग्रेजुअल एंड ऑफ कंटिन्यूइंग नेचर। ये होता रहेगा फॉल, जैसे जैसे टाइम निकलता रहेगा, यूज़ होता रहेगा, ये बुक वैल्यू में फॉल होता ही रहेगा। ड्यू टू द यूज़, एफ्लेक्स ऑफ टाइम एंड एक्सीडेंट्स और ऑब्सोलेसेंस, डेट इज़ चेंज इन टेक्नोलॉजी। ये आपने अभी हमने इसको बहुत अच्छे से समझा। नेक्स्ट इज़ डेप्रिसिएशन इज़ एन एक्सपेंस, हाउएवर इट डज़ नॉट इन्वॉल्व। अभी जैसे मैंने आपको कहा, डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस तो हम मान रहे हैं, हम इसको P&L अकाउंट में एक डेबिट साइड में ले जाते हैं, इसको ट्रीट करते हैं हम एक एक्सपेंस की तरह। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इन केस प्रॉफिट हो या लॉस हो कंपनी का, उससे कोई मतलब नहीं है। डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना ही है, करना है अपनी फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो इट इज़ एन एक्सपेंस, हाउएवर इट डज़ नॉट इन्वॉल्व कैश। मीन्स इस एक्सपेंस के लिए आपको कहीं बाहर जाके पैसा नहीं देना, ये कंपनी के अंदर ही रहेगा पैसा, किसी वेंडर को जाके पैसा नहीं देना है आपने। डेप्रिसिएशन इज़ डेबिटेड टू P&L अकाउंट वेदर देयर इज़ प्रॉफिट और नॉट। जैसे कि मैंने बोला, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको डेप्रिसिएशन तो डेबिट करना ही है, करना है P&L अकाउंट में। डेप्रिसिएशन इज़ यूज्ड फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ओनली, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए नहीं होता है। इनटेंजिबल एसेट्स के लिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एमोर्टाइजेशन लगता है, जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, लेकिन उसको डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, एमोर्टाइजेशन बोलते हैं। उसमें भी हम इनटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू को, उसकी जो बुक वैल्यू है उसको कम करते हैं थ्रू एमोर्टाइजेशन। नेक्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, डेप्रिसिएशन हम क्यों करते हैं डेप्रिसिएशन? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू असर्टेन द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजिशन। अगर हमने 5 साल पहले कोई एसेट्स खरीदी है, तो क्या हम उसकी वैल्यू आज भी वही दिखाएंगे? अगर हमने बैलेंस शीट में अगर हमने वही वैल्यू दिखा रहे हैं जो हमने 5 साल पहले खरीदी थी, तो इट मीन्स उसकी हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, दैट इज़ नॉट ट्रू एंड फेयर। अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते हैं, इट मीन्स अवर टेंजिबल एसेट्स स्टेटेड एट हायर वैल्यूज, हम वैल्यू ज़्यादा दिखा रहे हैं उनकी, तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी बैलेंस शीट इज़ नॉट करेक्ट, इट इज़ नॉट ट्रू एंड फेयर। सेकेंड इज़ टू असर्टेन द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। जैसे कि अभी हमने बोला कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है एंड डेट इज़ डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर डेप्रिसिएशन को हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, तो इट मीन्स वेदर प्रॉफिट है या लॉस है, वो इट डजंट शो ए करेक्ट पिक्चर। अगर हम प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब हम प्रॉफिट ज़्यादा दिखा रहे हैं, आपने अभी डेप्रिसिएशन नहीं दिखाया, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। इन केस लॉस, हम ऑलरेडी लॉस है कंपनी में, तो लॉस इसका मतलब और बढ़ाना पड़ेगा, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा। थर्ड इज़ टू असर्टेन द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में स्टूडेंट्स डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है। इट मीन्स अगर आप डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं ऐड करते हो, तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो आप कम दिखा रहे हो। फोर्थ इज़ टू एक्युमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ये वाला, टू एक्युमुलेट फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। मीन्स जैसे कि हमने अभी पिछले एग्जांपल में देखा, मशीन इंस्टॉल करी और हमें इंजीनियर ने बोला था कि 10 साल तक ये मशीन चलेगी, एस्टिमेटेड लाइफ, और उसके बेस पे हमने स्क्रैप वैल्यू हटा के डेप्रिशिएबल अमाउंट जो हमारा आया था 4,50,000, हमने 45,000 पर ईयर हमने डेप्रिसिएशन अमाउंट को सेट असाइड कर दिया, हमने अपने प्रॉफिट्स को कम करके दिखाया। इट मीन्स जब 10 साल बाद हमारे 4,50,000 तो हमें मिल जाएंगे, हम उससे एक नई मशीन खरीद सकते हैं थोड़ा सा और पैसा डाल के। फिफ्थ इज़ टू कंप्लाई विद रीगल रिक्वायरमेंट्स।
एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड इनकम टैक्स एक्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज करना इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये कोई हमारे अपने मन की बात नहीं है कि इच्छा हुई तो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, नहीं इच्छा हुई तो हमने नहीं किया। इट्स ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज पर कंपनीज एक्ट एंड इनकम टैक्स एक्ट। अब हम लेके चलते हैं बेसिस फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, मीन्स डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या फैक्टर्स ज़रूरी हैं, तभी आप डेप्रिसिएशन को चार्ज कर पाओगे। सबसे पहली है हमारी कॉस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या इंक्लूड आएगा? हमारा परचेज कॉस्ट, कितने की परचेज हुई है। हमने अभी मशीन खरीदी थी, मशीन थी हमारी 5 लाख की, है ना, उसके ऊपर प्लस हमने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, इंस्टॉलेशन चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस हम देते हैं, कुछ भी कमीशन देते हैं, अगर वेजेस देते हैं, फ्रेट देते हैं, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो ये सारे चार्जेस हमारे इंस्टॉलेशन चार्जेस में ही आते हैं, परचेज कॉस्ट के अंदर ऐड हो जाते हैं, इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। दूसरी चीज़ जो बहुत मैंडेटरी है, हमें को जानना कि इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है आफ्टर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। अगर 10 साल है, 5 साल है, तो उसके बाद ये इसकी स्क्रैप वैल्यू को रेजिडुअल वैल्यू भी बोला जाता है, कि कितने में बिक जाएगा, ये कबाड़ में कितने में जाएगा, तो वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यूज़फुल लाइफ तो जानना ज़रूरी है ही, कि हमारी ये जो मशीन है या कार है ये कितने साल तक चलेगी, एस्टिमेटेड लाइफ। कोई भी टेक्नीशियन, कोई भी इंजीनियर मशीन की एग्जैक्ट यूज़फुल लाइफ को नहीं बता सकता, वो सिर्फ से एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ ही बताएगा, और हमें भी वही चाहिए, एस्टिमेटेड यूज़फुल लाइफ। इसके अलावा हमें एक चीज़ और चाहिए होती है, रेट्स एंड मेथड, कौन सा मेथड यूज़ किया जाए और कितना रेट लगाया जाए डेप्रिसिएशन का। प्रिस्क्राइब्ड रेट एंड प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स एज पर द कंपनीज एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट, दैट इज़ 4 थिंग्स आर मैंडेटरी फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर डेप्रिसिएशन के ऊपर, जिसमें हमने आज इसका इंट्रोडक्शन और बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा, हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा है, हमने प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल्स के थ्रू समझा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव सम डाउट प्लीज़ राइट ऑन टू माय कमेंट बॉक्स, मैं उसका जल्दी से जल्दी जवाब दूंगा। अगले वीडियो में हमारा अभी डेप्रिसिएशन कंटिन्यू रहेगा, हम इसको बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। अभी हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स को समझा, अब हम न्यूमेरिकल भी लेके चलेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करिए, समझिए इसके सारी चीज़ों को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट को लेके। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।